इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस भर्ती में आए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 17 लिखा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने प्रश्न संख्या 1 से 16 तक पिछले वीडियो में बता दिए थे। आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए क्योंकि उसमें शानदार टिक्स दी हुई थी मेरी। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। यहां पे हमारे पास 3 चीज दी गई है, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग और 1 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन। तो यहां पे हमारे पास ट्रेन भी लंबाई में है और सुरंग भी लंबाई में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। दूरी हमारे पास टोटल हो गई 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, आप किलोमीटर के नीचे देखिए आप क्या लगा हुआ है, घंटा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या दी गई है, चाल दी गई है। तो हमारे पास हमेशा समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अगर यहां पे हमें चाल निकालनी होती तो हम यहां समय की जगह चाल रखते और चाल की जगह हम यहां समय रखते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी 2 किलोमीटर हो गई हमारे पास, चाल हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब 2 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 घंटा। तो 2 घंटा हमारे पास ये है तो इसमें सही होगा 3। इसी प्रकार एक प्रश्न है, एक जहाज में 1500 सैनिकों के लिए 15 दिन का भोजन है, 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं, अब जहाज पर उपलब्ध भोजन 100 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा। इसमें हमारे पास शुरुआत में दिए गए हैं 1500 सैनिक, तो वो 1500 सैनिक लिख लीजिए आप, 45 दिन बाद में 500 सैनिक छोड़कर चले गए, तो अब कितने शेष बचे हमारे पास, 1000 शेष बचेंगे क्योंकि हमने 1500 में से 500 निकालेंगे, 1000 सैनिक बचेंगे जहाज पर। अब आपको क्या करना है, शुरू में कितने दिन थे, 45 दिन शुरू में थे, 45 दिन 45 में से 15 दिन तो क्या रहे 1500, तो उनको आप क्या कर दीजिएगा, बाहर निकाल दीजिए। शेष कितने दिन निकालने हमें, 30। तो अब क्या कर दीजिएगा आप, ये देखिए इनको आप काट दीजिएगा, इसे काट दिए तो 2 शून्य से 2 शून्य को हटा दिया हमने, हमारे पास आ जाएगा 15/10 और ये जो शेष दिन बचे हैं इनको आप इसके गुणा में रख दीजिएगा। अब 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा, 15 और 3 को गुणा कर दीजिएगा कितने दिन आ गए, 45 दिन। तो यहां पे है 45 दिन इसमें, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, 2। इसी प्रकार प्रश्न संख्या आप 3 देखिए, रमेश और सुरेश भाई भाई है, राखी और गीता आपस में बहने हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज दी गई है, रमेश और सुरेश, राखी और गीता और रमेश का लड़का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रमेश और सुरेश, दोनों में आपस में संबंध है भाई का, रमेश एरो का चिन्ह लगाया मैंने, इसका मतलब यह हुआ कि रमेश सुरेश का भाई है और सुरेश रमेश का भाई है। इसी प्रकार हम लिख लेंगे राखी और गीता, ये मैंने लिख ली राखी, ये मैंने लिख ली गीता, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है बहने। अब हम यहां कह रहे हैं कि ये जो रमेश का लड़का है वो गीता का क्या है, भाई है, यानी इसका जो लड़का है वो किसका भाई है, गीता का भाई। तो रमेश की गीता क्या हो गई, पुत्री, और भाई की पुत्री क्या लगती है, भतीजी। तो सुरेश की ये राखी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, क्यों गीता और राखी भी आपस में क्या है बहने, तो ये रमेश की ये भी क्या है, पुत्री है। तो मैं कह सकता हूं सुरेश और राखी आपस में क्या संबंध है, चाचा भतीजी का। तो यहां पे हमें क्या पूछा है, आपस में संबंध, और यहां पे दिया है चाचा, तो हम सही का आंसर क्या करेंगे, चाचा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या अगला, 30 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, कर्षण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कर्षण का नीचे से कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले आपको यहां देखना है कि कर्षण का ऊपर से कौन सा स्थान है, कर्षण का ऊपर से स्थान, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से 6 स्थान है, तो गोविंद ऊपर से 6 स्थान है और इससे कर्षण 7 स्थान नीचे है, तो ये 7 स्थान इससे नीचे, तो कुल ऊपर से कितने स्थान पे आया, वो 13वें स्थान पे।
तो कर्सन ऊपर से कौन से स्थान पे है, 13वें स्थान पर, तो नीचे से कौन से स्थान पे होगा, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी संख्या है, 35, 35 में से हम 13 निकाल देंगे, कितने आएंगे, 22। तो हम कह सकते हैं कि 13वें स्थान पर तो यह है ऊपर से, तो नीचे से कौन से स्थान पे होगा, क्योंकि इससे नीचे कितने बच्चे हैं, 22 बच्चे हैं, तो 22, तो नीचे से हम देखेंगे तो 22 तो ये हो गए और एक ये खुद 13वां, तो कितना हो गया, 23। तो इसका कौन सा स्थान है, नीचे से 23वां स्थान। प्रश्न संख्या 21, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत है, यह आपके राजस्थान पुलिस 2012-13 में आया था। इस प्रश्न के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको आयत खुद को गिननी ही पड़ेगी। तो हम देखिए गिनते हैं, तो सबसे पहले इसको नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 आयत तो सीधी सीधे हो गई, ये मैंने लिख दी 8 आयत। अब देखिए एक आयत ये भी बन रही है, इसी प्रकार इसके पैरेलल में ये आयत बन रही है, तो ये दो आयत, इसी प्रकार एक आयत इससे भी तो बन रही है ऐसे, और एक आयत इससे भी बन रही है, तो इस प्रकार से ये हो गई 4 आयत। अब और भी क्या आयत बनती है क्या इसमें, वो देखने के लिए हम देख रहे हैं कि ये यहां से कट का निशान लगा है, इस कट के निशान से हम नीचे देखते हैं तो ये आयत बनती हुई नजर आ रही है, तो एक आयत ये बन रही है, तो इस प्रकार इसमें बन रही है, तो इस वाले रो में भी बन रही होगी, इसमें भी देख लो ये बन रही है, इस प्रकार से इसमें भी बन रही है, और इस प्रकार से इसमें भी बन रही है, तो ये कुल प्रकार से 4 आयत और बन रही है, तो कुल कितनी हो गई, 16 आयत। कल मैंने आपको वर्ग से संबंधित ट्रिक बताई थी, अगर ऐसे कोई सीधे वर्ग आ जाए तो आप वर्ग कैसे निकालेंगे, आज मैं आपको आयत के लिए भी ट्रिक बताऊंगा कि जैसे इस प्रकार से कोई अन्य पर्सन आ जाए तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे, जैसे ये ऐसे चित्र आ गया है, ये यहां नीचे वाला छोड़ दीजिएगा, ऐसे चित्र आ गया कि इसमें कितनी आयत है, इस चित्र में आपको आयत बताना है, तो आयत बताने के लिए आप क्या करोगे, इसमें नंबर दे दीजिएगा आप, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, इसी तरह से रो नंबर 1, रो नंबर 2। अब जो हमने ये नंबर दिए इनको आप क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिएगा, 1, 2, 3 और 3, 3, 6, तो ये कुल हो गए 6। इसी प्रकार इनको भी आप जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितने हो गए, 3। अब जो ये 6 आए, ये 3 आए, इनको आपस में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, 6 और 3 को गुणा करेंगे कितने आएंगे, 18। तो इस आकृति के अंदर 18 प्रकार की आयतें हैं, इस आकृति में कुल 18 प्रकार की आयतें हैं। इसी प्रकार अगर इसमें नीचे एक और रो आ जाती तो आप कैसे सोल्व करते, तो भी आपको क्या करना है, इसमें आगे जोड़ देना है, 1, 2, 3, 3, 3, 6। तो आप इन दोनों 6 को आपस में अब क्या करना है, यहां पर भी 6 आ गया, यहां पर भी 6 आ गया, इनका योग, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए, 6 को 6 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 36। तो इस आकृति में कितनी प्रकार की आयत होगी, 36 प्रकार की आयत होगी, जोड़ने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 आपके राजस्थान पुलिस 2011-12 में आया था, और ऐसा प्रश्न हर SSC एग्जाम में आता है, SSC चाहे GD ले लो आप, चाहे CGA ले लो, किसी में भी ले लो, इसमें SSC का एक प्रश्न ये जरूर आता है, तो इस प्रश्न को आप गौर से देखिएगा। पानी की टंकी में ए बी सी 3 नल है, केवल नल ए खोलने पर 4 घंटे में, केवल नल बी खोलने में टंकी 6 घंटे में भर जाती है, केवल नल सी खोलने में टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। तो यहां हमारे पास 3 नल दिए गए, ए बी और सी, यहां पे हमारे पास एनल खोलने पर 4 घंटे में, बनल खोलने पर 6 घंटे में टंकी भर जाती है, जबकि सैनल खोलने पर 3 घंटे में खाली हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, सीधे बट्टे की जोड़ बाकी करनी है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने इसको ले लिया 1/4, 1/6, 1/3। अब देखो मैंने यहां पे प्लस का चिन्ह लगाया और यहां पे मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। यहां पे प्लस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये ए है और ये ब है और ये स है, तो ए और ब तो क्या करते हैं, टंकी को भरने का काम करते हैं, जबकि स टंकी को खाली करने का काम करते हैं, और जहां खाली करने का काम हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब हम इनका
लघुत्तम निकालेंगे तो इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 12। इस 4 में, 4 का 12 में भाग देंगे तो हमारे पास 3 भागफल आएगा। इस 3 भागफल को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या 1 है तो ये क्या आ जाएंगे, 3 के 3 आ जाएंगे। अब 6 का इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएंगे। चिन्ह लगाया हमने माइनस का, 3 का भाग 12 में दिया, 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। अब इन दोनों संख्याओं को तो क्या कर लेंगे हम, योग कर लेंगे तो 3 और 2 कितने हो गए 5, और 5 में से इस 4 को निकाल देंगे कितने बचेंगे 1 बटे 12। तो ये जो नीचे वाली जो 12 आया है यही आपका आंसर आया है, तो हम यहां आंसर क्या होगा 12 घंटे। अब कई ऐसे जने भी है जिनको बट्टे की जोड़ बाकी नहीं आती है, उसको मैं दूसरी ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से भी वो निकाल सकते हैं। तो मेरी ट्रिक नंबर 2 देख लीजिएगा आप, ट्रिक नंबर 2 यह है कि जो ये संख्या लिखी है ये नहीं लेनी है, दूसरी संख्या लेनी है। जैसे मैं ए के लिए 6 और 3 लूंगा तो 6 गुणा 3 कर दिया मैंने, दोनों को गुणा करना है। अब जैसे ए बढ़ने का काम कर रहा था तो यहां प्लस का आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां नहीं लिखे। अब बे भी क्या करता है, बढ़ने का काम करता है, तो मैं यहां प्लस का लगा दिया। अब बे के लिए क्या है 6, 6 तो हम लेंगे नहीं, 4 और 3 ले लेंगे, तो 4 गुणा 3। सह क्या करता है, खाली करने का काम ये ले लिया मैंने। अब 3 या नहीं लेकर हम क्या लेंगे, 4 और 6 लेंगे, ये हमने 4 और 6 ले लिया। अब आप क्या कर दीजिए, इनको गुणा कर दीजिए, यहां आ गया 18, यहां आ गया 12 और यहां पर भी 24 आ गया। इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और इस 30 में से 24 निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये 6 हमारे पास आंसर नहीं आया है, अब जो हमारे पास ये जो तीनों संख्या थी ना 4 गुणा 6 गुणा 3 इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए 6 से 6 जा रहा है बच्चे, क्या 4 और 3 दोनों को गुणा कर दीजिएगा, ऊपर भी 1 आएगा नीचे कितना आएगा 4 3 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12। तो आप दोनों विधि से इसका हल निकाल सकते हैं, चाहे तो इस विधि से निकाले चाहे इस विधि से निकाले, मैंने दोनों तरीके बता दिए। सबसे बेस्ट यह है जिसको यह जोड़ बाकी बटे की नहीं आती है वो इस विधि से निकाले। प्रश्न संख्या 23, यदि पुस्तक को घड़ी कहे, घड़ी को बेग, बेग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। देखिए पुस्तक को हम क्या कह रहे हैं, पुस्तक को हम घड़ी कह रहे हैं, तो हम एरो लगा के लिख देंगे घड़ी। घड़ी को हम क्या कह रहे हैं, घड़ी को हम कह रहे हैं बेग, और बेग को हम क्या कह रहे हैं शब्दकोश, और शब्दकोश को हम क्या कह रहे हैं खिड़की। अब देखिए पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, पुस्तक किसमें ले जाते हैं, बैग में डाल के ले जाते हैं, और बैग को हम क्या कह रहे हैं ये बैग, इस बैग को हम कहते क्या हैं, इस बैग को हम क्या कह रहे हैं शब्दकोश। तो सही आंसर क्या होगा, शब्दकोश होगा। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद में उसके पास में जो बेल दिखती है उसको भी आप दबा दीजिएगा।